मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मुलाकात की और राज्य बजट तथा विभिन्न अवसरों पर की गई जन कल्याणकारी घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए ऐसे फैसले किए हैं जिसमें लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए होम गार्डों ने अपने मानदेय में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आए इन होम गार्ड्स ने कहा कि विभाग के गठन के बाद से पहली बार किसी सरकार ने होम गार्डों का इतना मानदेय बढ़ाया है। इससे पूरे प्रदेश के 30,000 से अधिक होम गार्ड्स तथा उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में भी राजस्थान में होम गार्ड्स का मानदेय अब बेहतर हो गया है। संगठन की विभिन्न जिला शाखाओं से आए पदाधिकारियों ने मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं राजन ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने पर आभार व्यक्त करने आए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों से कहा कि वे औषधीय पौधों को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करें। इससे किसानों को बड़ा लाभ तो मिलेगा, साथ ही इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के लिए पौधों की सहज उपलब्धता भी हो पाएगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सेठिया ने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस पद्धति को मान्यता दी है। प्रदेश के सभी जिलों से आए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने राज्य का आभार जताया। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर द्वारा बीमार गायों की सेवा के लिए एम्बुलेंस को फीता काटकर रवाना किया। राजन ने कहा कि बीमार गो धन की सेवा पुण्य का काम है, इस कार्य में अन्य सेवाभावी संगठनों को भी आगे आना चाहिए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी इस अवसर पर मौजूद थे।